गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? आई एम फाइन। क्लास सिक्स मैंने आपको पढ़ाया सांझ के बूढ़े। सांझ के बूढ़े यहाँ पर कवि विवेकी राय जी ने दिन का मानवीकरण किया है। जिस तरह से मनुष्य के जीवन में तीन अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह से दिन के भी तीन अवस्थाएं को बताकर सांझ के बूढ़े उन्होंने पाठ रखा है। प्रातःकाल, फिर दोपहर का समय, फिर शाम का समय, तीनों समय का सांझ का समय, सांझ की समय, गर्मी की सांझ के विषय में चर्चा किया है। गर्मी की सांझ क्यों सुंदर लगती है? गर्मी की सांझ सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि पूरे दिन गर्मी में काम करते करते लोग तपन से थक जाते हैं और जब शाम के समय ठंडी ठंडी जुड़ासी हवा चलती है तो उनके बदन में को आराम मिलता है, ठंडा ठंडा पहुंचाता है। इसलिए सांझ की, गर्मी के दिनों की सांझ सुंदर लगती है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि चौपालें, गांव में चौपालें होती हैं, जहाँ गांव में चौपालें क्यों बनाई जाती हैं, क्यों होती हैं? गांव के चौपालों में बूढ़े, अधबूढ़ और कुछ नवयुवक भी रहते हैं। क्यों ये मनोरंजन का साधन होता है? मनोरंजन का साधन कैसे होता है? लोग काम करके थक जाते हैं, शाम के समय भोजन करके कुछ समय चौपालों में बिताते हैं कुछ रात तक। आज से लगभग 50 वर्ष पहले गांव की चौपालें ही मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। शाम को लोग भोजन करके चौपालों में जमा हो जाते थे। चौपालों में देर रात तक अपनी अपनी बातों को लेकर आध्यात्मिक और राजनीतिक बातों की चर्चा करते थे। बड़ा आनंद आता था। चौपालों में रामायण महाभारत की चर्चाएं भी होती थी और उसी में मनोरंजन भी लोग करते थे। मनोरंजन कैसे करते थे? एक दूसरे से वार्तालाप करके, आपसी भाईचारे का भाईचारे को दिखा करके, वहाँ कोई किसी से भेदभाव नहीं करता था। नौ युवक जो थे वे बूढ़ों की बातों को सुनकर उस पर गौर करते थे, विचार करते थे कि हाँ ये चीजें जो ये कह रहे हैं हमें नहीं मालूम है, कम से कम बड़े बुजुर्गों से ये चीज हमें मालूम तो हुई और वो जो हमारे जीवन के में लाभ देगा, फायदा करेगा। जो लोग अमल करते हैं, जो लोग उनके विचारों बातों को सुनते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, सोचते हैं, वो जीवन में अब कभी वक्त पड़ने पर जब काम आता है तब वो कहते हैं। जैसे रामायण महाभारत, आपसी लोग आपस में ही एक दूसरे से द्वेष रख करके, रामायण में भी भगवान राम पिता की आज्ञा मानकर वन गए, वन में किस किस तरह से संकट काटे, ऋषियों मुनियों का दर्शन किए। इसी तरह से लोग अब भी ये सब सुनकर देख करके अपने मन में भाव विचार करते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। महाभारत की लड़ाई जबकि आपसी भाईचारे में ही देश फैल गया था। कौरव और पांडव ये चचेरे भाई थे, इन्होंने भी आपस में केवल लिप्सा के कारण, भूख के कारण, हवस के कारण वो एक थोड़ी सी जमीन के पीछे आपस में बैर रख दिए, आपस में लड़ाई कर लिए और कितने वर्षों तक चलता रहा, एक दूसरे मारे गए। यही सब देख करके, सुन करके लोग आपस में भी सेम उसी भावना को लाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन से, मनुष्य बुद्धिमान है, अपने मन से सोच विचार करके काम करना चाहिए। यही सांझ के बूढ़े में आपको दिया गया है। आपको है जैसे गांव और वहां के लोग क्यों बदल गए? एक क्वेश्चन है, गांव और वहां के लोग क्यों बदल गए? धीरे धीरे गांव में प्रगति हो गई और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव हो गया, इसलिए गांव और वहां के लोग बदल गए। गांव पहले के जैसा गांव गांव नहीं रह गया। आज भी शहरों के जैसा गांव में भी हर कुछ सुविधा हो गई है। संध्या क्यों मोहक होती है? गर्मी के समय में दिन की तपन समाप्त हो जाती है और संध्या समय गांव में ठंडी ठंडी जुड़ाती हवा चलने लगती है, इसलिए लोगों को
सांझ की संध्या मोहक लगती है। और इसी तरह से है कि सांझ के समय कुओं की जगत पर बैठकर लोग क्या करते थे, सांझ के समय कुओं की जगत पर बैठकर लोग नित्य नई नई सामाजिक राजनीतिक बातें करके मनोरंजन किया करते थे और विश्राम करते थे, भाईचारे की भावना जागृत करते थे। ये आपका क्लास वर्क हो गया। अब आप देखिए बोर्ड पर सांझ के बोले प्रश्न पर, गर्मी की सांझ सुंदर क्यों होती है? गर्मी की सांझ सुंदर होती है क्योंकि गर्मी में पूरे दिन तपन में काम करने के बाद सायंकाल में लोग खुली हवा जैसे खुले की जगत पर बैठकर आपस में प्रेम की बातें करते हैं और शाम की दुरासी हवा सबको अच्छी लगती है। प्रश्न नंबर दो है, सांस के समय कुओं की जगत पर बैठकर लोग क्या करते हैं? सांस के समय कुओं की जगत पर बैठकर लोग विश्राम करते हैं तथा नित्य नई नई सामाजिक राजनैतिक बातें करके मनोरंजन करते हैं। प्रश्न नंबर तीन है, गांव और वहां के लोग कैसे बदल गए हैं? आज वर्तमान समय में धीरे धीरे गांव में भी प्रगति हो रही है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है, इसलिए गांव और वहां के लोग बदल गए हैं। प्रश्न नंबर चार है, एक गांव में लगभग कितने चौपालें होती हैं? एक गांव में लगभग कई चौपालें होती हैं।